हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई के क्लासिफिकेशन को, और उसके अंतर भी हम देखेंगे आज बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। इससे पहले हमने क्या देख लिया, हमने फाइकोमाइसिटीज देख लिया जिसमें ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के बारे में पढ़ाई कर ली है। फिर हमने एस्कोमाइसिटीज के बारे में देखा। आज जो नंबर है वो है बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का, राइट। तो हम बात करें बेसिडोमाइसिटीज की, तो ये भी कैसी है, मोस्ट एडवांस क्लास है, राइट। कॉमन नेम देखें, क्लब फंजाई, गिल फंजाई और फेरी फंजाई। क्यों बोलेंगे हम, जब एग्जाम्पल देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। सेल वॉल डेफिनेटली काइटिन की बनी हुई होगी। थैलस सेप्टेड और ब्रांच्ड है, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यदि थैलस माइसीलियम की बात करें, एक बार पहले बात कर ले माइसीलियम की, तो आपको पता है कैसा है, सेप्टेड है, ब्रांच्ड है। और दूसरी बात हमने क्या बोला था कि यहां पर अपन को डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी माइसीलियम जो है वो भी यहां पर पाई जाएगी, और सेकेंडरी माइसीलियम भी यहां देखने को मिलेगी। लेकिन अंतर क्या है, ये लॉन्ग लीव्ड है, राइट, लॉन्ग लीव्ड है, और प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लीव्ड है। लॉन्ग लीव्ड हम कब देखेंगे, जब अपन सोमैटोगैमी में क्लैम्प कनेक्शन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? जब हम क्लैम्प कनेक्शन पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा ये लॉन्ग लीव्ड क्यों है, राइट। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर, द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर असेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। याद रखोगे बेसिडोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जो जहां पर अपन क्या पाया जाएगा, असेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाएंगे, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेमेटोगैमी, इस पर मेटाइजेशन पाया जाएगा। सेमेटोगैमी देखेंगे अपन, आ जाओ देखो, सेमेटोगैमी में हमने बोला था प्लाज्मोगैमी, बार बार नहीं बताऊंगी ज्यादा, बस स्टेप्स बता रही हूं। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस, ये 3 स्टेप्स देखने को मिलेगी। प्लाज्मोगैमी की बात करें, राइट, यहां पर ये कौन सा है, माइसीलियम है, ठीक है। लेकिन जब आपको याद हो एस्कोमाइसिटीज में कैसा फंजाई बना था, क्रूजियर शेप बना था, यहाँ पर क्रूजियर नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लैम्प कनेक्शन होगा। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलेगा डाइकैरियोटिक स्टेज के लिए। कैसे, ठीक है। राइट, क्लैम्प कनेक्शन देखेंगे। ये जो न्यूक्लियस है वो इधर जाएगा और यहां आ जाएगा, मैं इसको ऐसे कलर कर देती हूँ, ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई। फिर ये न्यूक्लियस इधर जाएगा, फिर यहां पर ये न्यूक्लियस उधर जाएगा, इसको मैं अलग तरीके से कलर कर देती हूँ, ये लो, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये कैसी स्टेज होगी क्लैम्प कनेक्शन में, डाइकैरियोटिक स्टेज है। कैसी हो गई, डाई कैरियोटिक स्टेज कैसी होगी, लॉन्ग लीव्ड होगी। अब किसकी बात आएगी, कैरियोगैमी की। यहां पर क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी हमने बोला इस तरीके से डायकैरेटिक स्टेज आ गया। डायकैरेटिक स्टेज के बाद में ये क्या है, बेसिडियम है। क्या है, बेसिडियम है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडोमाइसिटीज की, तो बेसिडियम है ये, बेसिडियम है। यहां पर क्या होगा, कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना, जाइगोट में ही यहां पर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। अब देखो अंतर, एस्कोमाइसिटीज में हमने एस्कोकार्प के अंदर जाइगोटिक मियोसिस करवाया था और 4 से 8 हैप्लॉइड हमें एस्कोस्पोर्स मिले थे। इज दैट क्लियर। बेसिडोमाइसिटीज में जब हम जाइगोटिक मियोसिस करवाएंगे किसमें, बेसिडियम में, तो क्या होगा, क्या होगा। अब हमें यहां पर देखना है, मैं एक बार रफ कर दूं। अब हमने यहां देखना है जब जाइगोटिक मियोसिस हुआ तो क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड बेसिडो स्पोर हमें मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड बेसिडो स्पोर हमें मिलेंगे। इस तरीके से, ठीक है, 4 हैप्लॉइड बेसिडो। अब जो बात जानने की है, याद करो कि जब हमने एस्कोमाइसिटीज पढ़ा था वहां पर एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स बने थे, यानी कि एंडोजीनसली। सेक्शुअल स्पोर, एस्कोस्पोर हमें कैसे मिले थे, एंडोजीनसली, एस्कस के अंदर थे। यहां पर बेसिडियम के बाहर बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं आफ्टर जाइगोटिक मियोसिस, और यहां पर माइटोसिस भी नहीं है, यहां पर माइटोसिस नहीं है, यहां पर सिर्फ जाइगोटिक मियोसिस है। और 4 हैप्लॉइड बेसिडोस्पोर हमें यहां पर मिले हैं। और ओरिजिन की बात करें तो ये कैसे हैं, एक्सोजीनस है। कैसे हैं, एक्सोजीनस है। इज दैट क्लियर, आ गया। सेक्शुअल मेथड में हमने बेसिडोस्पोर 4 कैसे बनाए, आउटसाइड ऑफ द बेसिडियम है, राइट, क्लियर। अब कॉमन एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। सो पक्सीनिया क्या है, रस्ट फंजाई है, हिट्रोशियस फंगस है। क्यों, क्योंकि इसको 2 होस्ट चाहिए, एक वीट चाहिए, एक बारबरी चाहिए। याद आ रहा है केसी मेहता का एयर करंट वाली बात, राइट, वहीं पर ही देखी गई थी। तो दैट इज फंगस दैट नीड्स 2 टाइप ऑफ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है। प्राइमरी इन्फेक्शन, देखो बच्चों यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर 5 तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देखें अपन कौन कौन सा, बात करें। सबसे पहला जो स्पोर है, फर्स्ट नंबर का जो स्पोर है वो है स्पर्मेशिया, ठीक है, ये 0 स्टेज कहलाती है। सेकेंड स्टेज पे हम आते हैं एशियोस्पोर्स, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर जो हमारे सेकेंड स्टेप है वो है यूरिडो या यूरिडियोस्पोर। फिर फोर्थ की हम बात करें तो टेलियोस्पोर, और लास्ट वन हम बात करें बेसिडियो स्पोर। राइट तो 5 स्पोर मिलते हैं हमें, 5 टाइप स्पोर, जिसमें स्पर्मेशिया, एशियोस्पोर, यूरेडियोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अब क्या हुआ, जो बेसिडियोस्पोर है बच्चों, ये कैसा है, यूनिसेल्युलर है और कैसी है, प्राइमरी। फिर यूरेडियोस्पोर कैसी स्टेज है, डाइकैरियोटिक स्टेज है। टेलियोस्पोर बाइसेल है, डाइकैरियोटिक स्टेज है। अब इंपॉर्टेंट क्या है टेलियोस्पोर में, तो साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस कहां देखने को मिलेगा, टेलियोस्पोर में। हालांकि यूरिडियोस्पोर भी डाइकैरियोटिक स्टेज है, बट कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस कहां देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेलियोस्पोर में, याद रहेगा। नाउ प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्टिंग रस्ट डिजीज ऑन व्हीट, सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन कहां होगा, रस्ट में, व्हीट में, ठीक है। थ्रू एसियोस्पोर, स्पर्मेशिया तो कोई स्टेज ही नहीं है, प्राइमरी स्टेज कहां से स्टार्ट होगी, एसियोस्पोर से, किसमें होगी, व्हीट में। सेकेंडली इन्फेक्शन टेक्स प्लेस यूरिडियोस्पोर, और सेकेंड स्टेज कहां देखने को मिलेगी, यूरिडियोस्पोर्स में, राइट। अब जो यहां पर बारबेरी में भी स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं साइनोस्पोर या स्पर्मेशिया, यूनिसेल्युलर है, एन है, अपर सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होगा। एसियोस्पोर जहां से इन्फेक्शन शुरू होगा वो है यूनिसेल्युलर, एन प्लस एन, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ये कुछ कुछ बातें हैं जो बतानी थी। डन। नाउ 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पक्सीनिया इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप रस्ट इन व्हीट। मेनली हमें याद रखने हैं कलर्स, याद रखने हैं कलर्स। जैसे कि पक्सीनिया ग्रामिनीस की बात करें तो कैसा रस्ट देती है, ब्लैक रस्ट, कैसा रस्ट देती है, ब्लैक रस्ट। ग्रामिनीज ब्लैक रस्ट कहां पर, स्टेम में प्रेजेंट होगी, लाइक दिस, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट होती है, लीफ रस्ट है, ये ब्लैक स्टेम रस्ट, ठीक है, ग्रामिनीज देती है ब्राउन रस्ट। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो कि कहाँ मिलेगी अपन को, लीफ में मिलेगी। फिर हम बात कर रहे हैं येलो स्ट्राइप रस्ट, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ठीक है, देखो स्ट्रीफॉर्मिस तो क्या करेगी, स्ट्राइप रस्ट, याद रखने के लिए बता रही हूँ, स्ट्रीफॉर्मिस स्ट्राइप रस्ट देगी। कैसा कलर होगा, येलो रस्ट होगा। ब्राउन रस्ट, रिकॉन्डिटा, ग्रामिनीज ब्लैक रस्ट, याद रहेगा। स्मर्ट फंजाई, दे प्रोड्यूस ब्लैक स्पोर्स विच आर नॉन एज स्मर्ट स्पोर, ये ब्लैक स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। डिजीज नॉन एज स्मर्ट डिजीज कौन देता है, अस्टिलागो नोडा और अस्टिलोगा ट्रिटिकाए, लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट। डन। ब्रैकेट ऑफ सेल्फ फंजाई, दीज आर एपिजाइलिक फंजाई, दीज आर एपिजाइलिक फंजाई, दे लाइक टू ग्रो ऑन वुड। एपिजाइलिक का मतलब होता है जो कि वुड पर ग्रो करना पसंद करे, एपिजाइलिक मीन्स जो कि वुड पर ग्रो करना पसंद करे। देयर फ्रूटिंग बॉडी इज सिमिलर टू ब्रैकेट, सो दे आर कॉल्ड एज ब्रैकेट फंजाई। तो यदि आपसे पूछा जाए बेसिडोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे ये इनके जो फ्रूटिंग बॉडी है वो ब्रैकेट्स में फॉर्म होती है, तो हम इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीपोरस, अब देखो पॉलीपोरस है ये स्ट्रक्चर, अब देखो कितने सारे पोर्स हैं, तो याद रखेगा पॉलीपोरस। डन। नाउ पफ बॉल्स, पफ बॉल्स की तरह भी बेसिडोमाइसिटीज की स्ट्रक्चर होती हैं, दे आर सेप्रोफाइटिक फंजाई, मैंने कहा था ये बेसिकली सेप्रोफाइटिक होती हैं। फ्रूटिंग बॉडी इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल, जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है बहुत ही लार्ज होती है, ब्यूटीफुल होती है, लाइक दिस, काफी अट्रैक्टिव होती है। इफ टच्ड फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट वायलेंटली, जैसे तुम टच करोगे या कोई भी टच हो गया इससे, ये फ्रूटिंग बॉडी खतरनाक तरीके से ब्रस्ट हो जाएगी, राइट। रिलीज अ ब्लैक पाउडर, और क्या करेगी, एक ब्लैक कलर का पाउडर रिलीज करेगी आउटसाइड। एग्जाम्पल लाइकोपेरिडन एंड क्लेवेशिया। क्लेवेशिया इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अ ड्रग क्लेविटीन इज एन एंटी कैंसरस medicine which is obtained from this fungus। Done। मशरूम, अब मशरूम की बात आ रही है, जहाँ पर मशरूम की बातें थी, हम सोच रहे हैं हाँ हाँ सब्जी बनेगी मशरूम की तो है ना, हम पास्ता में डाल लेंगे, हम यहाँ डाल लेंगे, लेकिन मशरूम भी बच्चे दो टाइप से मिलते हैं, एक एडिबल और एक पॉइजनस। ठीक है, एडिबल मशरूम जो होते हैं स्पॉन्जी फंजाई होते हैं मशरूम, अगारिकस बायपोरस, अगारिकस बायस्पोरस गिल फंजाई, इसलिए हमने बेसिडोमाइसेटीज का कॉमन नेम पढ़ा था गिल फंजाई। इज मोस्ट डिलीशियस, आपसे पूछा जाए डिलीशियस मशरूम कौन सा है तो अगारिकस बायपोरस बिस्पोरस, राइट। एमनीशिया मस्कॉडियस, ठीक है, ये कैसी है, मोस्ट पॉइजनस है। देखो अब पता कैसे लगेगा, व्हाइट कलर शांति का कलर होता है यानी कि ये खाने के काबिल है, रेड कलर डेंजर को शो करता है, रेड कलर डेंजर को शो करता है, याद रहेगा। तो एमेंशिया मस्कॉइडिस क्या है, मोस्ट पॉइजनस मशरूम है। पॉइजनस मशरूम्स आर टोड स्टूल, ठीक है, इनको टोड स्टूल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज, हमारा बेसिडोमाइसिटीज पढ़ लिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों बोला जाता है इम्परफेक्ट, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आरएच विटेकर जी ने क्या बोला था, आरएच विटेकर ने कहा था कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है, ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिला, तो ये हम नहीं बोल सकते कि एडवांस फंजाई है, तो ये सेकंड प्रिमिटिव फंजाई है। क्यों, क्योंकि इम्परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या बात बोला, उन्होंने बोला कि यदि इसमें फर्दर या इन फ्यूचर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को भी मिल गया तो हम इसको डिसॉल्व करेंगे, हम इसको डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इसको एडवांस वाले में एक्स्ट्रा ग्रुप में नहीं रखेंगे। इसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, या तो हम करेंगे एस्कोमाइसिटीज में या फिर हम इसको करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। और फिर एक और बोली बात उन्होंने, क्या बोली कि यदि डिसॉल्व ही करना है तो इसको हम रखेंगे किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। क्यों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कॉनिडिया पाया जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए एस्कोमाइसिटीज में इसको रखा। फिर सेप्टेड और ब्रांच मिलता है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें, फ्रेगमेंटेशन, कॉनिडिया प्रेजेंट है, असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेथड्स एब्सेंट और नॉट नॉन, तभी तो इम्परफेक्ट फंजाई है। कॉमन एग्जांपल में अल्टरनेशिया और कोलेटेरियम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। आर्थो रोबेट्रेस एंड डेक्टिएला क्या होगा, एंटोमॉर्फिगस यानी कि प्रीडेशियस फंजाई है। प्रीडेशियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने खाने के लिए इंसेक्ट और निमिटोड्स पे डिपेंड रहते हैं। फिर फंजाई कॉज मैनी डिजीज, ठीक है, अब ये जो फंजाई है कौन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो कौन कौन सी डिजीज करती है, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद हो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमने कहाँ पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये इसीलिए मैंने यहाँ लगाया है, वो पढ़ा था हमने ओमाइसिटीज में, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमने ओमाइसिटीज में पढ़ा था, यहां पर अपन अर्ली ब्लाइट पढ़ रहे हैं, वो है अल्टरनेशिया सोलनी में। फिर हम बोल रहे हैं सेरिकोस्पोरा परसोनेसा, ठीक है, ये क्या करती है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट होती है उसमें ऐसे टिक्का बना देती है, इसलिए हम इसको टिक्का डिजीज बोलते हैं। फिर हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजाए, ये क्या करती है, लीव स्पॉट ऑफ राय, देखो ओरिजाए आ रहा है तो राय से इसका साइंटिफिक नेम याद रहेगा। फिर हम बात करें कोलेक्टोरिकम फैलेक्टम, ये क्या करती है, रेड रोट ऑफ शुगरकैन, शुगरकैन में रेड रोट आ जाता है, देखो नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर ट्राइकोफाइटम या माइक्रोस्पोरम, ये क्या करती है, रिंगवॉर्म देती है जैसे एक्जाइमा या ईचिंग लाइक दिस। अब ट्राइकोफाइटम, अब यहाँ पर भी ट्राइकोफाइटम था और यहाँ पर भी ट्राइकोफाइटम, लेकिन जब अपन इंटरडिजिटेट की बात करें या टीनिया पेडिस की बात करें, देखो पेडिस यानी कि पैर की बात हो रही है, यदि पैर के जैसे अपन एथलीट फूट बोलते हैं, एथलीट फूट किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से, तो एथलीट फूट डिजीज इन ह्यूमंस एंड दे आर कॉल्ड एज रिंग वॉर्म ऑफ फूट। फूट के अंदर इस तरह से क्या हो जाता है, मतलब एक्जिमा टाइप से हो जाता है, ईचिंग होने लगती है, तो वो डिजीज होती है ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटेट के द्वारा या फिर टीनिया पेडिस के द्वारा। और जो नॉर्मल रिंगवॉर्म होता है वो होता है ट्राइकोफाइटॉन या फिर माइक्रोस्पोरम के द्वारा। इज दैट क्लियर, डन। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, हमने फंजाई की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। हमने देखा ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज जो कि फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप मेंबर थे, फिर हमने बोला कि एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडोमाइसिटीज, और आज हमने बात कर ली ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो फंजाई की क्लासिफिकेशन को खत्म करेंगे। अब अपन देखेंगे लाइकेन एंड माइक्रोराइजा के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। आई होप, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। देखो जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, कोशिश करो बार बार लिख करके और बोलने की, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएगी। सो फिर जल्दी ही मिलेंगे, जब तक थैंक यू।